लाइव न्यूज नजर हमारी खबर आपकी। दारुल उलूम फैजाने मदार मदरसात प्रजासत्ताक दिन उत्सवात साजरा। वडाला गावात दारुल उलूम फैजाने मदार मदरशाच्या प्रांगणात प्रजासत्ताक दिनाचा औचित्य साधत गौसिया जामा मस्जिदचे मौलवी श्री जुनेद आलम यांच्या हस्ते झेंडावंदन करण्यात आले। झेंडावंदन नंतर मदरशाच्या विद्यार्थ्यांना व परिसरातील मुलांना बिस्किटे वाटप करण्यात आली। प्रजासत्ताक दिवसाची माहिती ही मौलवींनी दिली। या प्रसंगी मदरसाचे ट्रस्टी इकबाल पटेल, शेरू शाह, तंजीम खान, अय्यूब शाह, इम्रान शाह, शहबाज पटेल यांच्यासह परिसरातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। अल्हम्दुलिल्लाह, हर साल की तरह इस साल भी दारुल उलूम गौसिया फैजान मदार वडाला गांव नासिक में यौम जमहूरिया 26 जनवरी अपनी शान व शौकत के साथ मनाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह, परचम कुशाई की गई और तिरंगे को आन बान शान के साथ लहराया गया और तमाम मुल्क वालों के लिए, तमाम मज़ाहिब के लोगों के लिए ये मुबारकबाद पेश करते हैं हम मदरसे की तरफ से कि ये मुल्क हमारा अमन और भाईचारा और मोहब्बत का है। तमाम अहले मुल्क के लोग एक दूसरे की खिदमत, एक दूसरे से मोहब्बत करते हुए इस मुल्क में रहें, क्योंकि इस मुल्क की आज़ादी के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम सभी धर्मों के लोगों ने मिलकर अपनी कुर्बानी दी है। आज ये खुशियां जो हम मना रहे हैं हमारे असलाफ की कुर्बानियों का नतीजा है। जब जब इस मुल्क को और इस सरजमीन को और इस सरजमीन के माथे में जब भी सिंदूर की ज़रूरत पड़ी, हमारे असलाफ ने अपने खून से इस सरजमीन के माथे पर सिंदूर लगाया है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये मुल्क हमारा है और अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में रहने वाले लोग लायक मुबारकबाद हैं कि इतने साल होने के बावजूद भी 1947 को आज़ाद हुआ, 1950 में संविधान लागू हुआ, एक कानून लागू हुआ जिसमें तमाम मज़ाहब के लोगों के लिए फ्रीडम रखा गया। हर शख्स इस मुल्क में रहने वाला अपने हिसाब से, अपने मज़हब के एतबार से जी सकता है, उसे आज़ादी है। हमारा ये मुल्क दुनिया का सबसे हसीन और ख़ूबसूरत मुल्क है जिस गुलदस्ते में हर किस्म के फूल मौजूद हैं और सब भाईचारा और मोहब्बत अमन के साथ इस सरजमीन पर रहते हैं। और आने वाला वक्त भी जब भी ज़रूरत पड़ेगी इस मुल्क को, हमने और हमारे तमाम मुल्क वासियों ने मिलकर इस खून, इस मुल्क की हिफाजत के लिए अपना खून बहा देना है, अपनी जान कुर्बान कर देना है, अपनी दौलत निछावर कर देना है, क्योंकि ये मेरा अजीज़ मुल्क हम सबको अपनी जान से भी बढ़कर है, अपनी दौलत से भी बढ़कर है। जय हिंद, जय भारत। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। महाराष्ट्रातील सर्व बातम्यांचे विश्वासार्ह व्यासपीठ, सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशन साठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।